हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आयशा किचन जायका। आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल पास्ता, जो कि लंच बॉक्स में आप बच्चों को भी पैक करके दे सकते हैं और जब बहुत तेज़ी की भूख लगे तो बना के एकदम सिंपल सा खा सकते हैं झटपट। ये देखिए, उसके लिए मैंने ये पेने पास्ता यूज़ किया है, कोई भी पास्ता यूज़ कर सकते हैं। चलिए बनाते हैं। ये देखिए, मैंने एक बड़े बर्तन में पानी गर्म करने के लिए पहले से ही रख दिया था। इसमें क्वार्टर टी स्पून करीब सॉल्ट डाल देंगे, नमक। ये देखिए, मैंने 1 कप पास्ता यूज किया है, ये डाल देंगे। हल्का सा चला देंगे और अब इसको ऐसे ही बॉईल होने देंगे अच्छे से। ये देखिए, मैंने एक पैन रख लिया है, पास्ता दूसरी साइड बॉईल होने के लिए रख दिया है। इसमें मैं 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दूंगी। इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे, हल्का सा। ये देखिए, ऑयल गर्म हो चुका है। ये मैंने लहसुन लिया है थोड़ा सा, ये डाल दूंगी इसमें। और ये एक छोटी प्याज ली है, इसको मैंने चॉप कर लिया है, ये डाल दूंगी। एक टमाटो लिया है मीडियम साइज का, ये भी मैंने चॉप कर लिया है, ये भी डाल देंगे। इसको हल्का सा भून लेंगे, हल्का हल्का सा गोल्डन कर लेंगे। ये देखिए, ये गोल्डन गोल्डन हो चुका है। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी, हल्दी पाउडर ये डाल देंगे। 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक ये डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। और ये मैगी मसाला है, जो मैगी के साथ निकलता है, ये डाल देंगे 1 सैशे। इसको भी मिक्स कर देंगे। ये टमाटो केचप है, 1 टेबल स्पून ये डाल देंगे। 1/2 टेबल स्पून चीनी डाल देंगे, इससे फ्लेवर थोड़ा अच्छा आता है। ये देखिए, हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है, गैस को बंद कर देंगे। चलिए अब पास्ता देखते हैं। ये देखिए, पास्ता अच्छे से पक चुका है। ये देखिए, आराम से टूटे जा रहा है, मतलब ये अच्छे से पक चुका है। अब इसको हम ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे, ताकि ये एक दूसरे में चिपके ना। ये देखिए, पास्ता मैंने ठंडे पानी से वॉश कर लिया है, ये एकदम अलग अलग है। इसको डाल देंगे इसमें और इसके साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे, जो हमने मसाला बनाया था। ये देखिए, ऐसे ही लो फ्लेम पे इसको 1 मिनट तक ढक के रख देंगे, ताकि जो हल्का सा कच्चापन है वो निकल जाए। ये देखिए, 1 मिनट हो चुका है, खोल के देखते हैं। अच्छे से ये गल गया है और इसका पानी भी सूख गया है पूरा। अब इसमें ये थोड़ी सी ऑरेगानो डाल देंगे। अब ये रेडी है, चलिए सर्व करते हैं। ये हो गया हमारा पास्ता रेडी 5 मिनट में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।